दोस्तों इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक अच्छा रिज्यूमे आपके पास होना और एक अच्छा रिज्यूमे बनाने की समझ आपके पास होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस सच को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। दूसरी तरफ अच्छी चीज़ें सीखने में हमेशा वक्त लगता है, तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर दीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाय दोस्तों, फाइनली फोकस करते हैं रिज्यूमे पर। तो रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। दोस्तों लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है और हर एक कैंडिडेट को अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स आपस में लिंक्डइन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। दुनिया भर के एचआर और रिक्रूटर लिंक्डइन के थ्रू कैंडिडेट्स की हायरिंग भी करते हैं। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मेंशन करते हैं तो चांसेस बनते हैं कि कंपनी का एचआर या रिक्रूटर आपका प्रोफाइल विजिट करेगा। और अगर आपका प्रोफाइल बहुत इंप्रेसिव बना हुआ है तो उसका एडवांटेज आपको मिलता है। कई बार आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, कई बार आपको बेहतर कंपनी में इंटरव्यूज़ की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो हमेशा अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक ज़रूर मेंशन करें। आइए अब एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर विद अ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माय स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि कैंडिडेट एक प्रगतिशील ऑर्गेनाइजेशन में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब का अवसर ढूंढ रहा है, जहाँ पर वो अपनी स्किल्स का उपयोग कर सके और साथ में ऑर्गेनाइजेशन की उन्नति में भी अपना योगदान दे सके। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में, अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब ढूंढ रहे हैं तो। दोस्तों अब बात करते हैं रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप अपने रिज्यूमे को बेहद प्रोफेशनल बना सकते हैं सही तरीके से प्रोफाइल समरी को लिखकर। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले पॉइंट में कैंडिडेट ने लिखा है कि उसके पास में योग्यता है कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकता है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकता है, स्प्रेड शीट्स प्रिपेयर कर सकता है और प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर कर सकता है। दूसरे में उसने लिखा हुआ है कि वो स्किल्ड है किस चीज़ में, डेटा बैकअप ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में और डेटा को प्रिजर्व करने में। तीसरे पॉइंट में उसने लिखा है एबिलिटी टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल कस्टमर इन्फॉर्मेशन, मतलब जो कस्टमर की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो प्रोटेक्ट करके रख सकता है डेटा के फॉर्मेट में। इसके बाद देखिए उसने मेंशन किया है कि उसके पास में एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकता है और समय प्रबंधन कर सकता है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है एबिलिटी टू मेंटेन फाइलिंग सिस्टम एंड वेरीफाइड डेटा, मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से फाइलिंग सिस्टम्स को मेंटेन कर सकता है और डेटा का वेरिफिकेशन भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में उसने लिखा हुआ है दैट एबिलिटी टू मेंटेन ऑफिस डेटाबेस एंड रिकॉर्ड्स, मतलब जो ऑफिस का डेटाबेस होता है और रिकॉर्ड्स होता है उसको मेंटेन करने की योग्यता भी उसके पास है। उसके बाद देखिए एबिलिटी टू रिव्यू डेटा फॉर मिसिंग इन्फॉर्मेशन और एंड एरर्स, मतलब अगर डेटा में कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन या एरर है तो उसको वो रिव्यू कर सकता है, उसको वो रेक्टिफाई भी कर सकता है। नेक्स्ट वन स्किल्ड एट रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस, कई बार ऐसा होता है डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो ये भी योग्यता ये कैंडिडेट रखता है, उसने ये मेंशन किया है। नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू यूज बेसिक ऑफिस इक्विपमेंट, मतलब ऑफिस में यूज होने वाले बेसिक इक्विपमेंट्स को वो यूज कर सकता है, जिसमें से फोटोकॉपियर मशीन आता है, प्रिंटर आता है, फैक्स आता है और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखिए कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि वो एक टीम प्लेयर है और उसके पास में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। अगर आप गौर से इस प्रोफाइल समरी में इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए परफेक्ट हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरीके से अपनी प्रोफाइल समरी में इन पॉइंट्स को लिखते हैं तो आपका रिज्यूमे बेहद प्रोफेशनल लगता है। दूसरी तरफ एक एडवाइस है आपको कि आप कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड कुछ फाइन पॉइंट्स भी अपनी प्रोफाइल समरी में ज़रूर मेंशन करें। इसका ये एडवांटेज आपको मिलता है जब आपका रिज्यूमे एचआर के पास या इंटरव्यूअर के पास जाता है तो उसको आपका रिज्यूमे बेहद प्रोफेशनल लगता है। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे को बेहद प्रभावशाली बना सकते हैं। अब बात करते हैं रिज्यूमे में एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट में मैंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट ने बीकॉम किया है 2021 में। फिर मैंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट ने अपना 12th किया था 2018 में और 2016 में उसने अपना हाई स्कूल किया था।
ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आती है। तो देखिए 2021 की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आई है, 2016 सबसे बाद में आया है। तो इस तरीके से आप अपनी एडुकेशनल क्वालिफिकेशन को लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। दोस्तों एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में सर्टिफिकेशन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसने डिप्लोमा किया था ऑफिस मैनेजमेंट में। कहाँ से किया था आप यहाँ पर कंपनी या इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन कर सकते हैं। और देखिए ईयर मेंशन किया गया है 2021। उसके बाद देखिए कैंडिडेट ने ये मेंशन किया है कि उसने डिप्लोमा किया था कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी 2020 में। तो अगर आपका कोई सर्टिफिकेशन है तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं सर्टिफिकेशन हेड में अपने रिज्यूमे में। दोस्तों अब बढ़ते हैं रिज्यूमे में टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की तरफ। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसको एमएस ऑफिस और क्विक बुक्स बहुत अच्छे से आते हैं, यानी इन दोनों सॉफ्टवेयर्स में उसकी प्रोफिशिएंसी है। अगर इसके अलावा कोई और भी सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से आता है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं टेक्निकल प्रोफिशिएंसी हेड में। दोस्तों अब बात करते हैं रिज्यूमे में पर्सनालिटी ट्रेट्स की। तो देखिए पहला ट्रेट लिखा गया है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आगे आने वाली समस्याओं और सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहता है। दूसरे में लिखा गया है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नियोजित होता है, सुव्यवस्थित होता है। थर्ड पॉइंट में लिखा गया है डिटेल ओरिएंटेड, एक ऐसा व्यक्ति जो बारीकियों पर ध्यान देता है उसको डिटेल ओरिएंटेड कहा जाता है। और चौथे में लिखा गया है फ्लेक्सिबल, एक ऐसा व्यक्ति जो आगे आने वाली परिस्थितियों से, समस्याओं से अपने आप को ढाल लेता है, अनुकूल कर लेता है। तो अगर आप इन चारों ट्रेड्स को गौर से देखेंगे तो ये चारों ट्रेड्स डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा याद रखिए उन्हीं पर्सनालिटी ट्रेड्स को अपने रिज्यूमे में जगह दीजिए जो आपको उस जॉब के लिए एक बेहतर कैंडिडेट साबित करने में मदद करते हैं। बहुत कॉमन से पर्सनालिटी ट्रेड्स को लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। दोस्तों पर्सनालिटी ट्रेड्स के बाद बात करते हैं रिज्यूमे में अचीवमेंट्स की। तो देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट ने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज मैनेजमेंट कंपटीशन में 2021 में। फिर उसके बाद उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में 2020 में। और उसने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था सोशल साइंस एग्जीबिशन में 2018 में। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है, जिसमें 2021 सबसे पहले आया और 2018 सबसे अंत में। दोस्तों यहाँ पर मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, अपने रिज्यूमे में अपनी अचीवमेंट्स को ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि हर कंपनी एक साउंड पर्सनालिटी के व्यक्ति को ही हायर करना चाहती है। तो अगर आपकी अचीवमेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, एनसीसी से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो, डांस से रिलेटेड हो, तो उसको भी अपने रिज्यूमे में ज़रूर मेंशन करें अचीवमेंट्स हेड में। दोस्तों बात करते हैं रिज्यूमे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इस फॉर्मेट में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मेंशन कर सकते हैं, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस, करेस्पोंडेंस एड्रेस आता है। फिर इसके बाद देखिए लास्ट में आप डिक्लेरेशन मेंशन कर सकते हैं, जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अपने रिज्यूमे में लिखी है वो सत्यापित है, वो पूरी तरीके से सत्य है, आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। नीचे आप डेट, प्लेस और सिग्नेचर का ऑप्शन दे सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि मैंने इसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स तो मेंशन किए हैं लेकिन मैंने इसमें हॉबीज मेंशन नहीं किए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसमें आप हॉबीज़ का सेक्शन कवर कर सकते हैं। अपने रिज्यूमे को बेहद स्पेसिफिक रखिए, इसमें वही चीज़ें मेंशन करिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं रिज्यूमे में मेंशन करने लायक हैं। सो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कि अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए रिज्यूमे बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप एक प्रभावशाली रिज्यूमे बना सकते हैं।